नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति भवन में सोमवार को एक भव्य समारोह में 2020 के लिए पद्म पुरस्कारों से नवाजी गई हस्तियों को सम्मानित किया गया। भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं। इस बार भी आम आदमी के कुछ गुमनाम नायकों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन का ऐतिहासिक दरबार हॉल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति समेत देश के सबसे ताकतवर हस्तियों की जुटान, कैमरों के तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राष्ट्रपति भवन के रैंप पर नंगे पांव के बढ़ते कुछ बहुत ही साधारण से दिखने वाले लोग, लेकिन ये कोई साधारण शख्स नहीं बल्कि असाधारण काम करने वाली शख्सियत हैं। यह दृश्य देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों पद्म पुरस्कारों की नवाजगी है। देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में एक पुरस्कार है पद्मश्री। इन दिनों रामनाथ कोविंद ने एक ऐसी शख्सियत को यह पुरस्कार दिया है जिसके बारे में आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे। ये वो गुमनाम थे जिनकी उपलब्धि, जिनकी कामयाबी और जिनके समर्पण को शायद ये देश कभी नहीं भुला सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरिकेला हजब्बा की, जो दक्षिण कन्नड़ जिले के गाँव के व्यक्ति हैं और उनके साहस, उनके दृढ़ संकल्प की आज पूरा देश तारीफ कर रहा है। और बात करें कि उनको पुरस्कार लेते वक्त किस वेशभूषा में देखा गया, तो लुंगी के समान लिपटी हुई एक सफ़ेद धोती, कंधे पे बड़ी ही सादगी से रखा हुआ एक गमछा और इसी रूप में वे महामहिम तक पुरस्कार ग्रहण करने पहुंचे। दरअसल हरिकेला हजब्बा दक्षिण कन्नड़ जिले के थे और उन्होंने अपनी बचपन में पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। दरअसल उनके गाँव में कोई स्कूल नहीं था और उन्होंने उसी वक्त ठान ली कि वे पाई पाई जुटाकर गांव में स्कूल बनाएंगे, स्कूल लाएंगे, जिसके चलते आगे किसी भी बच्चे को पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट ना आए और उनकी तरह और दूसरे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। इसके चलते ही उन्होंने मैंगलुरु की सड़कों पर टोकरी में हाथ में लेकर संतरे बेचे और पाई पाई जुटाई। उसके बाद गाँव में स्कूल की व्यवस्था की और अब गांव में यही स्कूल हजब्बा आवारा शैल के नाम से जाना जाता है, यानी कि हजब्बा का स्कूल। बात करें दूसरी योद्धा की, तो एक ऐसी ही हस्ती है तुलसी गौड़, जिनके सम्मान में महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसी हस्तियां हाथ जोड़े खड़ी हैं और अभिवादन कर रही है। जी हां, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कही जाने वाली तुलसी गौड़ वही महिला है जिन्होंने अपने बचपन से लेकर अभी तक 30,000 से ज्यादा पौधे लगाए हैं, जिसके चलते अब उन्हें ये नागरिक सम्मान दिया गया। एक ऐसी महिला जो 6 दशकों से लगातार पर्यावरण और देश के लिए काम कर रही है, लगातार पेड़ पौधे लगा रही है। वे अपनी 12 साल की उम्र से ही लगातार पौधे लगाती आई हैं और आज 30,000 का वे आंकड़ा पार कर चुकी हैं। आज जब पूरा विश्व पर्यावरण के संकट में है, पर्यावरण को वो खुशहाल नहीं बना पा रहा, ग्लोबल वार्मिंग जैसे संकटों का वो सामना कर रहा है, उस बीच इस तरह का सराहनीय कार्य वास्तव में प्रशंसा योग्य ही होता है। 72 साल की ये महिला आज भी लगातार पर्यावरण के लिए काम कर रही है, पेड़ पौधे लगा रही है, जिसके चलते इन्हें ये नागरिक सम्मान दिया गया। और बात करें इनके वस्त्रों की, इनके कपड़ों की, तो सिर्फ शरीर पर एक लिप्टन सी चादर, उससे ज्यादा कुछ नहीं, बड़ी सादगी से पर्यावरण के लिए, देश के लिए लगातार काम करती हुई चली आ रही हैं। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।